आज का दिवाली पूरे पाकिस्तान में यौमे के लिए कश्मीर के हवाले से मनाया जा रहा है और कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के साथ इत्तेहादों के काम करना और यकजहती का मुजाहरा किया जा रहा है। इसी मुनासिबत से चंद बातें पेश करूँगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कुद्दूस मुझे हक कहने, आपको हक सुनने और हम सबको इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक दो आयात को पढ़ने के बाद फिर मैं आपके यहाँ मौजू की तरफ आता हूँ। इरशाद हुआ कि नाम आते नाम कल कौशल कि महबूब हमने आपके कौशल अता फरमा दिया। इस कौशल में सिफत का बयान है मगर मौसूफ का बयान नहीं है। जिस उलमा ने माना ही किया है कि महबूब हमने आप दुनिया और आखिरत की हर नेमत इंतहाई कसीर मिकदार में अदा कर दी है। हर नेमत, हर खूबी, हर कमाल, हर फजीलत, हर अता इस बाय की देती है कि अब वो किसी शुमार में आ ही नहीं सकता। उसको अल्लाह ने कौशल का लफ्ज उसके लिए बयान करवाया। अब बड़ी सीधी सी बात है, दुनिया का निजाम है कि जिस शख्स को नेमत मिल जाए तो नेमत वाले के दुश्मन भी पैदा होते हैं। ये फितरत है और दुनिया का निजाम है। जिसको अल्लाह पाक को खूबी दे दे तो उसके दुश्मन और हासिद भी पैदा हो जाते हैं कि जिनको वो खूबी या वो कमाल पसंद नहीं आता तो फिर जो हासिल होता है वो क्या करता है? वो साजिशें करता है। क्या करता है? साजिशें। उसकी कोशिश ये होती है कि मुझे मिले ना मिले पर इसके हाथों से निकल जाए। हसद यही है, रश ये है कि बोला तुमने इसे दिया तो मुझे भी दे, और इस पर तेरा फजल हुआ है तो मुझ पर भी फजल फरमा दे। तो ये क्या है? रश है। मगर आमतौर पर रश नहीं होता, क्या होता है? तो जिस तरह अफराद का अफराद के साथ हसद होता है, अकवाम का अकवाम के साथ हसद होता है, तो मौला फरमाता है कि महबूब तुझे मैंने हर शय दी है और खूब दी है और देने की इंतहा कर दी है। अब कायनात में मेरे हासिद भी, दुश्मन भी, बदखाह भी, वो साजिशें भी करेंगे। तो फसल ने रब देगा बन हक,
तुम्हारे दो काम करने हैं, तूने भी और तेरी उम्मत ने भी। एक काम यह है कि नमाज पढ़नी है और दूसरा काम यह है कि कुर्बानी देनी। नमाज और कुर्बानी, नमाज और नमाज पुख्ता करेगी, नमाज से यकीन पुख्ता होगा, ईमान अपनी अपने दीन के साथ, अपनी मिल्लत के साथ, अपनी उम्मत के साथ वाबस्तगी में पुख्तगी आएगी नमाज के साथ, इज्तिमाइयत पैदा होगी, पाकीज़गी पैदा होगी, तहारत आएगी, वन हर और कुर्बानी देने से हर शय लुटाने का हौसला पैदा होगा। तो जिस फर्द में, जिस कौम में ये दो खूबियाँ पैदा हो जाए कि वो अंदर से मजबूत भी हो और हर किस्म की कुर्बानी देने, तो इन नशान का हुवल अब तो तेरा दुश्मन हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा, फना हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और ख़ास तौर पे ज़हनी तौर पे शिकस्त खा जाएगा। ये दो आमाल कर दिया अल्लाह पाक ने शायद में उम्मत की बगाम का राज बयान किया। उम्मत की बगाम राज बयान किया, एक तो ये बता दिया कि कोई दौर भी ऐसा नहीं आएगा जो दुश्मन ना हो और साजिश या नाकिर या बदखा, हमने तुझे दे दिया है और सब कुछ दे दिया है और बहुत ज्यादा दे दिया है। और आज भी अगर देखा जाए तो उम्मत बेशक सवाल में, बेशक सबुहारी का शिकार है, कसम खुशी का आलम है, बज़ाहिर ज़िल्लत और रुसवाई है, मगर आज भी आलम कुफ्र हसद करता है तो गुलामान मुस्तफ़ा से करता है। इसकी वजह यह है कि बहुत सी नेमतें हैं जो उनके पास ये गलत मौजूद है। ज़वाल का शिकार होकर भी याद रखिए आज आलम कुफ्र के ज़हनों पर अगर सवार है तो उम्मत मुस्लिमा सवार है। वो जानते हैं कि ये जैसे भी हैं, ये जैसे भी हैं पर हैं बदर वाले, ये बदर वाले जैसे भी हैं मगर हैं बदर वाले, बदर वाले। ये जब तक सोए रहे ये, मगर जब उठेंगे ना तो पर किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो वो बदर वाला मंजर, उहद वाला मंजर, फतेह मक्का वाला मंजर, मोहम्मद बिन कासिम की अलगान, तारिक बिन ज़ियाद की और सलाहुद्दीन अय्यूबी की बहादुरी, वो सारे के सारे मनाज़र उनकी निगाहों के सामने हैं। बाकी हर एतबार से दुनिया के मादी खजाने अल्लाह ने सबसे ज्यादा उसको दिए, वो इस्तेमाल ना कर सकें तो उनकी नाअहली, वो दरियाफ्त ना कर सकें तो उनकी लाइल्मी, मगर मौला ने मुस्तफ़ा का सदका सब कुछ दे दिया, कोई कमी नहीं छोड़ी। अल्लाह पाक ने यहाँ पे ये फरमा दिया कि फसल लेने रख दिया, नमाज पढ़ो और कुर्बानी दो। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि इस्लाम में दोनों चीजें हैं जहां से कुर्बानी का फैल मिलता है, एक ज़ुल्हिज्जा में इस्माइल की कुर्बानी और मुहर्रम में हुसैन की कुर्बानी। ये दो कुर्बानियां इंसान को, मुसलमान को कमजोर जब भी उसका हौसला ठंडा होने लगता है तो कहीं ना कहीं से करबला का हुसैन आ जाता है, उसके जज्बात को महनीज लगाता है, नहीं तो बनाई बनता है, फिर से जवान कर देता है, फिर से हैदरी बनाकर मुस्तफा का शेर बना देता है। ये वो जज्बे हैं
जहां से इंसान को कुर्बानी का बैल मिल रहा है। तो फरमाया कि फसल जेडे रब दे का बल हर इन निशान का। दूसरी आयत वाहिदु लहु मुस्तदासु मिन कुव्वतिल वबिल रिबातिल खैर कि हमेशा तैयार रहो, हमेशा तैयार रहो ताकत के साथ, वबिल रिबातिल खैर और घोड़े बांध कर, घोड़े बांध कर। फरमाया कि सिर्फ जहनी तैयारी नहीं अमली तैयारी, घोड़े इस्तेमाल में हो या ना हो मगर बंधे हुए हो और दुश्मन देख रहा हो कि इनका घोड़ा तैयार है, ताजा दम है, जब भी चाहेंगे मैदान में आ जाएंगे। उस वक्त कहा कि घोड़े बांध के रखो, आज उसका माना क्या होगा कि अपने असलहे खानों को जदीद तरीन असलहे से धर के रखो, सिर्फ जुबानी कलामी नहीं, नाराबाजी नहीं, वो भी हो, जहनी आमादगी भी हो, कुव्वत इरादी भी हो, जामे शहादत का शौक भी हो, बहादुरी भी हो, सब कुछ हो, अगर तुम्हारे असलहे खाने भी असलहे से भरे हुए दुश्मन को पता हो उनके पास हर कुव्वत मौजूद है। तो मकसद क्या है, अब आगे ये भी पढ़ो, मकसद खून रेजी करना नहीं और मकसद लाशें गिराना, तो रहे भून अभी अदू बल्लाहि वअदूक। मकसद सिर्फ यह है कि इस अमल के जरिए दुश्मन पे रोक कायम रहे, दुश्मन पे वो शरारत करने की हिम्मत, उसके जहन में शरारत है मगर जब भी करना चाहे तो तुम्हारी तैयारी को देख कर बोलिए डर जाए, खौफ सदा हो जाए। وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم فرمایا کہ خدا کے دشمنوں کو ڈرانا ہے، اپنے دشمنوں کو ڈرانا ہے اور کچھ اور بھی ہے، کچھ اور بھی جن کو تم نہیں جانتے ان کو اللہ جانتا ہے۔ اب وہ کون ہے منافق، کون ہے جس کا ہمیں جس کی ہمیں خبر نہیں، منافقت تو اندر کی کیفیت ہے نا، بعد بعد وہ اپنی علامات سے ظاہر ہو جاتا ہے، تو تم ان کو نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ تو جب تیاری کر کے بیٹھو گے نا ان سب پہ تمہاری تھاپ بیٹھ جائے گی اور یہ کسی قسم کی شرارت نہیں کر سکے۔ یہ دو آئے تھے اور تیسرا دعا کیا میں بنیاد کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، جب حضور حدیبیہ کے مقام پہ تشریف لائے، حضرت عثمان غنی کو صدیق بنا کے بھیجا کہ مکے والوں سے بات کرو کہ ہم جنگ کر لیں، نہیں آئے بلکہ ہم تو عمرہ کر دیا ہے، کیا ہم پورا عمر ہیں، جنگ کی تیاری نہیں، ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں، عمرہ کرنے آ رہے ہیں، ان سے جا کے بات کرو۔ حضرت عثمان غنی بات کرنے کے لیے آئے، مشرکین نے افواہ اڑا دی، عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، حضرت عثمان کو اب آقا ہے جو جہاں کا رب ہے، ان کیا ہے بات سمجھ لیں، صرف نماز پڑھنا اور گاڑی رکھنا ہی سنت مصطفیٰ نہیں ہے، یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ حضور کو خبر ملی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، وہی آ رہی تھی، وہی تو مورا بتا سکتا تھا کہ یہ غلط ہے، یہ کیا ہے، غلط ہے، یہ افواہ ہے، کچھ نہیں ہوا، مگر نہیں مورا بھی نہیں بتا رہا کہ حضور کا غیب جاننا یہ غلط مسئلہ ہے، وہ ہمیں بتائے جانتے ہیں، مگر حضور کی سنت کیا، خبر ملی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا، حضور نے تمام صحابہ کو جمع کر دیا، جنگ کی تیاری نہیں مگر ارادہ کر دیا۔ میں کہ صحابہ آج میرے ہاتھ پہ بیعت کروں، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے واپس نہیں جائیں گے۔ یہ سنت مصطفیٰ ہے، یہ کیا ہے کہ جب تک
उस्मान का बदला ना दे, उस्मान के खून का बोलो यहाँ से वापस नहीं जाए। इसका माना यह है कि सिर्फ दीन के नाम पे ही जंग नहीं लड़ी जाती, किसी मुसलमान का हक भी मारा जाए तो उसके हक की खातिर लड़ना भी जिहाद है और सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा है। सहाबा से पहले अब वहाँ पे अल्लाह को पता है कि उस्मान गनी शहीदी हुई, हुजूर ने बैत ली, सहाबा ने बैत दी, क्या हम तैयार हैं? तो आयत उतर गई, लगा कर दिया अल्लाह वाले मुदनीन इस युमा के रूना का कहाँ कश्तरा फाने ममा भी मुरूबे। मौला फरमाता है महबूब मौला ईमान वालों से राजी हो गया, ईमान वालों से राजी हो गया। हालांकि मौला को पता है अभी जंग होनी नहीं, अभी वादा होना है, इन्होंने वापस चले जाना है। उस्मान गनी भी शहीद नहीं हुए, वो भी वापस आ जाएंगे, मगर देखिए कि मौला की बारगाह में मोमिनों की नीयत की अहमियत क्या है और मोमिन के इरादे की अहमियत क्या है कि लकद रदियल्लाहु अनिल मोमिनीन। महबूब जब ये सारे के सारे दरख्त के नीचे बैठ कर क्या ये मौला ने खास तौर पर जिक्र किया है कि ये किसी कले में नहीं बैठे, किसी महफूज मकाम पे नहीं, किसी छावनी में नहीं, एक दरख्त के नीचे बैठ के जब सहाबा ने तेरे हाथ पे बैत कर ली ना के महबूब जब तक उस्मान के खून का बदला नहीं लेंगे वापस जाना हमारी खैरत के मुनाफी है, दीन के मुनाफी है, इस्लाम के मुनाफी है। तो महबूब इनको बशारत दे दो इनका मौला इनसे राजी हो चुका है। इनके दिलों में जो था ना वो मैंने जान लिया, वो मैंने जान लिया। जो आज का मुजाहरा है ये कानदब है, ये यही सुन्नत है, ये हुदैबिया वालों की सुन्नत है। आज के मुजाहरे का मकसद क्या है कि हम कश्मीरियों के साथ हैं, थोड़े के पूछ साथ हम कश्मीरियों के साथ हैं, हम कश्मीरियों के साथ हैं, उनके साथ लड़ेंगे, कश्मीर को आजाद कराएंगे, जालिम जादरों को शिकस्त देंगे और इंशाअल्लाह यहाँ भी इस्लाम का परचम लहरा रहा है वहाँ भी इस्लाम का परचम लहराएगा। ये वो हुदैबिया वालों की सुन्नत है, किसकी? हमने इरादा कर लिया और नीयत कि हम इनके साथ हैं, तो फिर मुझे उम्मीद है कि लकद रदियल्लाहु अनिल मोमिनीन। मौला फरमाएगा पाकिस्तानियों तुमने दिल की गहराइयों से ये नारे लगाए हैं और जगानकत का मुजाहरा किया है, पर सुनो मैं तुमसे राजी हो चुका हूँ। और आगे क्या फरमाया? वासाबहुम फतहन करीबा, और तुम्हें अन करीब बहुत बड़ी फतह दूंगा। ये हुदैबिया वालों से कहा तुम्हें अन करीब, अब फतह किस बुनियाद पे मौला दे रहा है? उनकी नियत, उनकी नियत। आओ हम भी अपनी नियतें सही कर लें और दिल की गहराइयों से कहें कि हम कश्मीरियों के साथ हैं और हर मजलूम मुसलमान के साथ, उनके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर शाना बशाना जुल्म से लड़ेंगे, जबर से लड़ेंगे, कुफ्र से लड़ेंगे, हर किस्म के इस्तेसार का मुकाबला करेंगे। तो कुरान आज भी कह रहा है वासाबहुम फतहन करीमा, ऐ नेक नीयतें रखने वालों तुम्हें मुबारक हो, अन करीब मौला तुम्हें बहुत बड़ी फतह अता फरमाएगा। ये उस नीयत का सदका होगा। दोस्तानी मुजर पाकिस्तान, जैसा कि नारा लगा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या जोश के साथ, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या? बचपन इस्लामी मुल्कों में एक सवाल कुछ लोग करते हैं, जहन खराब किए जाते हैं, उसका जवाब नहीं दे पाते। बचपन इस्लामी मुल्कों में
अगर किसी मुल्क की बुनियाद कलमा है ना तो वो सऊदी अरब भी नहीं है, वो सऊदी अरब भी नहीं, वो सिर्फ पाकिस्तान है जिसकी बुनियाद तौहीद है, जिसकी बुनियाद गुलामी मुस्तफ़ा है, जिसकी बुनियाद कुरान है, जिसकी बुनियाद इस्लाम है, जिसकी बुनियाद इस्लामी भाईचारे की बुनियाद पे है, सारे इम्तियाजात खत्म कर दिए गए, बस एक ही पहचान रही कि बंदे खुदा के हैं और गुलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा के हैं। इस बुनियाद पे कहा कि पाकिस्तान का मतलब क्या, याद रखें कि दुनिया का वाहिद मुल्क कि जिसकी बुनियाद इस्लाम है। और मैं पहले कई दफ़ा कह चुका हूँ कि ये पाकिस्तान नहीं, ये मुस्तफ़ा का मदीना है, ये मुस्तफ़ा का मदीना है। वैसे भी मैंने बताया था कि मदीना तैयबा का उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, पाकिस्तान। अब ये जो पाकिस्तान है ये मुस्तफ़ा का मदीना है और इसकी बुनियाद करने पे आप देखते हैं कि दुनिया के बहुत से इस्लामी मुल्क वो फैसला नहीं करते जो करना चाहते, वो फैसला कश्मीर के हवाले से, फलस्तीन के हवाले से वो फैसला नहीं करते जो उन्हें मुसलमान होने की हैसियत से करना चाहिए, नहीं करते। अभी आपने देखा कि इधर मुसलमान शहीद हो रहे, उन पे जिंदगी तंग की जा रही है, उधर अरब बादशाह ने आप गलम में हैं क्या दे रहे हैं, इजाज दे रहे हैं सीने से लगा रहे, उनकी इज्जत अफजाई कर रहे हैं, क्या ये मौका बनता है नहीं। बोले नहीं। इसको मौखर भी किया जा सकता है मगर नहीं, मुनाफ़कत ने भी जाहिर होके रहना, मुनाफ़कत ने भी जाहिर होके रहना है। हुसैन इस्लाम में आया ही इसलिए, हुसैन इस्लाम में तख्त पे बैठने के लिए नहीं आया था, वरना वो यजीद के साथ शराकत कर लेते, उधर तुम इधर हम, जैसे यहाँ पे हुआ था, मगर नहीं, हुसैन इख्तदार में हिस्सा लेने के लिए नहीं आया, हुसैन मोमिन और मुनाफिक में फ़र्क करने आया था। हक को बातिल में जब दिक्कतें तफरीक हो गई, बड़ा खूबसूरत शेर कहा, हक को बातिल में जब दिक्कतें तफरीक हो गई, फर्क करना मुश्किल हो गया ना हक को बातिल में, हक को बातिल में जब दिक्कतें तफरीक हो गई तो फिर बेसाख्ता हुसैन की तफरीक हो गई, तो फिर बेसाख्ता हुसैन की तफरीक हो गई। तो हुसैन तो आया ही इसलिए था मुनाफ़िकत को आया करने के लिए, बताने के लिए, क़यामत तक मोमिन और मुनाफिक के दरमियान लकीर खींचने के लिए। अगर हुसैन बैत कर लेते तो मुनाफ़िकत छुप जाती और मुनाफ़िकत पर भी इस्लाम का लिबादा आ जाता। लोग कहते हैं हुसैन की कुर्बानी से क्या मिला, बहादुर शहीद हो गए क्या मिला, इख्तलाफ तो उनके पास ही रहा, यार मिला ये है कि अब मोमिन में और यजीद में फर्क समझ में आ गया। अब कयामत तक हुसैन का नाम इस्लाम की अजमत के तौर पे होगा और यजीद का नाम मुनाफ़िक के तौर पे होगा, ये हुसैन का कारनामा है। अब ये हुआ उनके फैसले उस तरह नहीं होते जिसके लिए मुसलमान के होने चाहिए, तो पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ लोग कहते हैं, कौन पाकिस्तान में आप अखबार में पढ़ते होंगे, कुछ कैदरों पर जब मुजाकरे होते हैं वहाँ भी कुछ अनासर बैठे होते हैं, वही कह रहे होते हैं कि ये अरबों ने तो कश्मीर के मामले पे हमारी हिमायत नहीं की, अपने मफादात को देखा तो हम क्यों उनका साथ दें, फलस्तीन के मामले पे, शाम के मामले पे हमें क्या पड़ी है, हमें बस अपनी सोचनी चाहिए। तो याद रखिए वो जैसे भी है
वो पाकिस्तान का मामला ये है कि पाकिस्तान बना ही करने की बुनियाद पर, पाकिस्तान बना ही कलमे की बुनियाद पे है। शाम है, मिस्र है, फलस्तीन है, कोई भी मुल्क है, उसकी बुनियाद उनकी कौमें हैं, जुबानें हैं, रंग नस्ल हैं, तारीखी मामला हैं। अगर इस्लाम और पाकिस्तान के जज्बे की बुनियाद पर अगर कोई मुल्क बना है तो सिर्फ पाकिस्तान। तो दुनिया के कहीं भी मुसलमान को तकलीफ होगी ना तो पाकिस्तानी आराम से नहीं बैठ सकते, पाकिस्तानी इसलिए कि ये पाकिस्तान है और ये मुस्तफ़ा का मदीना है। ये क्या है, तो कहीं भी इस्लाम पे हमला हो, मुसलमानों पे हमला हो तो पाकिस्तानियों का दीन चैन होना फितरी अमर है। क्या है, अरबों से हमें गर्ज बोले, हम अरबों को नहीं मानते, हम तो आमना के लाल को मानते। अब जो कुछ अरबों ने किया है, किसने अरबों ने किया, तो हुजूर की वो हदीस सामने आ गई, सच साबित हो गई। 1400 साल पहले मुस्तफ़ा ने फरमाया, मैंने कई दफ़ा सुनाई, आका ने फरमाया सहाबा से कि सहाबा मैं अरब में से हूँ, मैं मगर अरब मुझ में नहीं है। आज गल पूरी होगी कि नहीं, बोलो ना। मुस्तफ़ा पे गुलाम, मुस्तफ़ा के गुलामों पे जुल्म हो रहा है और कश्मीर के मुसलमान अपनी इस्लाम की पहचान की बुनियाद पर अलग होना चाहते हैं, आज़ादी मांग रहे हैं और कम होकर भी, लाचार होकर भी, ज़ालिमों जाबरों की आंखों में आंखें डालकर आज़ादी का नारा बुलंद कर रहे हैं और उनको शर्म नहीं आई कि क्या हम ये लाल उसको दे रहे हैं। हुज़ूर की वो बात पूरी हो गई, मैं अरब में से हूँ, मैं अरबी हूँ, पैदा तो अरब में हुआ, पैदा जो मगर अरब मुझ में नहीं। अगला जुमला क्या था, फरमाया मैं हिंद में से नहीं हूँ, मैं पैदा वहाँ पे नहीं हुआ, मैं हिंद में से नहीं हूँ मगर हिंद मुझ में है, हिंद मुझ में है। हिंद से मुराद यही है ना, पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान, तो हुज़ूर ने फरमाया मैं पाकिस्तान नहीं हूँ मगर पाकिस्तान मुझ में है। तो फिर समझिए जहाँ जहाँ हुज़ूर का दिल तड़पेगा ना वहाँ वहाँ पाकिस्तान भी तड़पेगा, और जहाँ जहाँ हुज़ूर बेकरार होंगे वहाँ वहाँ बोलो ना पाकिस्तान भी बेकरार होगा। इसलिए कि मुस्तफ़ा ने तो 1400 साल पहले इस सरजमीन को और यहाँ के रहने वालों को अपने अंदर रख लिया है। आज की हदीस पूरी हुई क्या नहीं, कि मैं अरब में से हूँ मगर अरब मुझ में, लेकिन मैं बोले हाँ लेकिन हिंद बोले हिंद इससे बड़ा इजाफ क्या हो। अब जिसको हुजूर ने अपने अंदर रख लिया, जिसको हुजूर ने अंदर रख लिया है उसे मिटाया जा सकता है, झुकाया जा सकता है, फना किया जा सकता है, तो फिर हम कह सकते हैं कि असल मदनी तो हम हैं। क्यों भाई, असल मदनी वो मदनी है मदीने में रहने वाले, हम मदनी हैं मदीने वाले के दिल में रहने वाले। असल मदनी बोले ना, कहीं भी मुसलमान को तकलीफ पहुंचे इस्लाम की इज्जत पे हर पाए तो पाकिस्तानी आराम से, इसलिए कि पाकिस्तान की बुनियाद किसी रंग नस्ल पे है ही नहीं। पाकिस्तान का मतलब क्या, और चूंकि यहाँ मैं पाकिस्तान के मारूफ आदमी अल्लामा रज़ा शाह के मुस्तफ़ा, नाम सुना है आपने, उन्होंने ये वाक़या बयान किया कि मैं उम्र पे गया तो मस्जिद नबवी में कुछ दोस्तों से मिल रहे थे, फलस्तीनी लोग मिले, उन्हें पता चला कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे करीब आए, बड़ी मोहब्बत से मुझे मिले, मेरे हाथ जो मैं मुझे सीने से लगाए
बड़ी मोहब्बत का इजहार करें। तो कहते मैं बड़ा हैरान हुआ, तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझसे क्यों मोहब्बत कर रहे हैं, मुसलमान तो ये सारे बैठे मुझसे मोहब्बत क्यों कर रहे हैं। अब सुने किस किस ने आपसे आस लगाई हुई है, किस किस ने आस लगाई, और जिससे कोई आस लगाए ये उस पे अल्लाह का कर्म होता है। जिससे कोई आस लगाए उस पे अल्लाह का कर्म होता है। गौस पाक ने फरमाया ना कि अगर तेरे पास कोई सवारी आता है ना तो शुक्र कर, अल्लाह ने इसका सवाल पूरा करने के लिए तेरा इंतजाम किया और इस सवारी को तेरे पास भेजा है। फलस्तीनियों ने कहा कि हम आप चूंकि पाकिस्तानी हैं इसलिए हम आपसे मोहब्बत कर रहे हैं, क्यों कि हमारे बुजुर्ग कह गए, हमारे पाकिस्तान से लोग आएंगे और वो तुम्हें आज़ाद करवाएंगे। हमारे बुजुर्ग कह गए कि पाकिस्तान से लोग आएंगे और वो तुम्हें आज़ाद करवाएंगे। तो फिर देख लो किस किसने तुमसे आंख लगाई हुई है, और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह पाकिस्तान इस मान पे पूरा उतरेगा, इस आंख पे पूरा उतरेगा। इसलिए कि हम नहीं उतरेंगे, जिसने हमें अपने अंदर बिठाया हुआ है ना, जिसने हमें अपने अंदर बिठाया हुआ है। और याद रखें सिर्फ फलस्तीनियों को आपसे आस नहीं, बहुत सी कमज़ोर अकवाम को आपसे आस है, याद रखें गैर मुस्लिम अकवाम जो कमज़ोर हैं किसी हुई है, और अमेरिका और यूरोपी हुकूमत और खुद हिंदुस्तान के जुल्म का शिकार है, गैर मुस्लिम हैं मगर हिम्मत नहीं मुकाबला करने की, उन्हें भी आस है ना, तो बोले ना उनके पास एटम बम है ना उसके पास जज्बा इत्तेहाद है ना ज़ौक़े शहादत है ना टकराने का हौसला, उन्हें भी आस है तो किससे, बोलो पाकिस्तान। रूस को तोड़ा किसने, पाकिस्तान से, बोले पाकिस्तान, किसकी फौज लड़ी, पाकिस्तान, बोले ना पाकिस्तान की फौज ऐसे लड़ी कि आज उस फौज की हिकमत अमली अमेरिका के जो मिलिट्री कॉलेज है वहाँ पर पढ़ाई जा रही है कि पाक फौज ने किस तरह लड़ा और किस तरह रूस को अफगानिस्तान से भागने पर मजबूर कर दिया, बिलाकर रूस टूट गया। जानते हैं जब रूस टूटा तो छह मुसलमान रियासतें आज़ाद हुई, कितनी, ये तुर्कमानिस्तान आज़रबैजान काजाकिस्तान वगैरह कितनी, और दो या तीन ईसाई रियासतें भी आज़ाद हुई हैं, उनमें से एक आर्मीनिया का नाम आपने सुना हो। तो ये ईसाई रियासत भी रूस के तसल्लुत से आज़ाद हुई, तो किसका सपना है, पाकिस्तान का, बोलो ना पाकिस्तान का सपना। तो रूस को तोड़ा पाकिस्तान को, मुसलमानों को ईसाइयों को आज़ाद कराया पाकिस्तान, बोलिए पाकिस्तान ने। अब अमेरिका की हुकूमत हो रही है तो कौन कर रहा है, वो जो ISI के सबक हेड थे ना हमीद गुल, क्या उनका जुमला एक सुनाया जाता है, प्रकार उनका एक वक्त आएगा, एक वक्त आएगा कि आप सुनेंगे, आप कि पाकिस्तान की ISI ने अफगानिस्तान में अमरीका को अमरीका की मदद से शिकस्त दे दी, अमरीका को जुमला देखे ना काबिल गौर है, अमरीका को अगर अमरीका दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है ना तो कोई उसको भी बना सकता है, कोई ये मकर करते हैं और खुदा तदबीरें करता है। अब अमेरिका बेबस हुआ कि नहीं हुआ, बोले श्रीलंका में बगावत थी, श्रीलंका में बगावत थी, किसने डाके बिछा दी, पाक फौज, किसने, पाक फौज ने पकड़ी। और याद रखें आज इसराइल अगर मक्का और मदीना पे हमला नहीं ना कर रहा तो उसे अरबों का डर नहीं, बोले पूछा बोले क्योंकि पाकिस्तान का मतलब क्या, अरबों के पास तो है ही कुछ ना असलहा ना लड़ने वाले, वो तो ड्राइविंग भी नहीं कर सकते,
उन्हें तो घर का ड्राइवर चाहिए, वो तो पाकिस्तान से मंगवाते हैं। क्यों भाई? वो निकम्मे हैं। अब इसराइल को भी अगर डर है तो किसी और का नहीं, किसका है? पाकिस्तान का। तो खुदा की कसम पूरी दुनिया के मजलूमों और मजबूरों की आवाज है तो पाकिस्तान है, उनकी आस है तो पाकिस्तान, उनका आसरा है तो पाकिस्तान। और अमेरिका, यूरोप, इसराइल अगर किसी फौज से डरता है तो वो भी पाकिस्तान है। बोले पाकिस्तान, वो पाकिस्तान की फौज है। और आप हैरान नहीं होंगे कि वो पाकिस्तान जिसका हर शोभा, इसका छोटे मुल्कों से भी कमजोर है। अब गौर करें, जिस पाकिस्तान का हर शोभा जो आम मामूली ममालिक है उनसे भी, वहां की फौज अगर पूरी दुनिया पे रोक डालनी है, इसका फिर मतलब यह है कि पाकिस्तान बनाया नहीं गया था, बनवाया गया। बात समझ रहे हैं? जो मुल्क सुई भी ना बना सकता हो और वो बना ले एटम, तो फिर क्या समझते हैं आप ही बन गया? बोले ना, मैंने ईद के मौके पे कहा था ना कि परचम सितारा हो, रहबरे तर्जुमाने जाने साये, याद है मेरी बात क्यों नहीं? साया है कि तराना भी लिखा नहीं गया, लिखवाया गया है। क्या लिखवाया गया? भी जुबान हमारी उर्दू थी, तराना पूरा फारसी में, तराना पूरा फारसी, पूरे तराने में एक लफ्ज उर्दू का है, पाक सरजमीन का ये तो का है ना, बाकी सारा तराना किसमें? बोले तो ये फारसी में कैसे कबूल हो गया और कैसे पास हो गया? सारा फारसी में। मैं एक बात और करूँगा, एक बात से बाद में सब पूरे पाकिस्तान दिया था। बोले एक बार से किसी ने पूछा था कि एक बार के पाकिस्तान का तस्वर तुम्हें कहाँ से मिला है? तुम्हें कहाँ से मिला? इकबाल का भी सुन लें। इकबाल अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में जब लाहौर थे तो तहज्जुद की नमाज दादा के मुताबिक पढ़ते थे, तरमही भी मुराकबा बसाए फजर की नमाज पढ़ के वापस जाते थे। अल्लामा इकबाल का ये बयान और की रिकॉर्ड है, इकबाल ने कहा कि मुझे पाकिस्तान का तसव्वुर दादा अजमेरी ने दिया है। किसने दिया है? अब मैं, मेरी समझ में जो बात आई कि दादा अजमेरी की जुबान क्या थी, बोलो वो कहाँ से आए थे? अफगानिस्तान के परे से आए थे। यहाँ भी उस वक्त फारसी जुबान थी, बाद में भी मुगल दौर में भी यहाँ की सरकारी जुबान। तो जिसने पाकिस्तान का तसव्वुर किया था ना, उसकी जुबान, उसकी कश्मीर मालूम भी किसमें है? किसमें है? तो फिर उसके दिए हुए मुल्क का तराना भी किसमें होगा? तो लिखने वाले ने पूरा फारसी में लिखा और किसी को ख्याल नहीं आया कि जुबान तो हमारी उर्दू है और तराना हमारा फारसी में बन रहा है कि पीछे से डंडा चल रहा था, बनवाया जा रहा था। उसने क्या कहा कि साया है खुदा है, ये जो लफ्ज है जलाल है ना, इसमें मैं कहूँगा कि अफीस जानकारी साहब ने खुद नहीं किया, मौला ने करवाया कि यूं कहो कि इस मुल्क पर क्या जिस खुदा का साया है ना, ये ना कहना कि रहमान है, ये ना कहना वो बख्शने वाला है, वो काम की सारे मैं करता हूँ, मगर जब पाकिस्तान का जिक्र आए ना तो फिर ये कहना कि जिस खुदा का पाकिस्तान पे साया है वो खुदा बड़े जलाल वाला है, वो खुदा बड़े जलाल वाला है, गजब वाला है। तो बस जो भी पाकिस्तान की तरफ आंख उठा के देखना चाहे ना, तो पहले ये पढ़ ले कि जिसका ये मुल्क है वो बड़े जलाल वाला है। उसी जलाल का फैल है कि 55 मुल्कों में से किसी मुल्क को एटम बम नहीं मिला, जिसको मिला पाकिस्तान को, तमाम रुकावटों के बावजूद ये कानूनी तौर पर नहीं बना है,
सारा काम छुप के हो गए, सारा काम छुप छुप के इतना बड़ा बम बना दिया। और पाकिस्तान को ऐड नहीं, वरना पैसा और इस्लामी मुल्कों के पास ज़्यादा है पैसा। पाकिस्तान के पास इतने वसाए नहीं थे, मगर साए और आज उसी एटम बम का जलान पूरी दुनिया में छाया हुआ है, पूरी दुनिया में छाया। हिंदुस्तान अगर दबका हुआ है तो उसी एटम बम से, और इसराइल भी अगर दबका हुआ है तो उसी एटम बम से। और एक बात याद रखें, दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा जो बदमाश है वो कौन है? अमेरिका खुद झगड़ा हुआ है इसराइल। अब याद रखें, जिस दिन इसराइल बर्बाद होगा ना, खुद अमेरिका में खुशियां मनाई जाएंगी। पूरी अमेरिका की मईशत पे कंट्रोल किसका है? यहूदी होगा। साइंस पे कंट्रोल यहूदी होगा, मईशत पे कंट्रोल और ज़राए इंकलाब पे, मीडिया पे कंट्रोल। वहाँ का सदर इनकी मर्जी के बगैर, ये तो ऑन द रिकॉर्ड की बात है। तो सबसे बड़ा बदमाश कौन है बोले? यहूदी, यहूदी कौम है ना। इनका पहला मरकज कौन था? खैबर। कौन था? उस खैबर को किसने पता किया था? हैदर। किसने पता किया था? तेरा बात समझ ले, किसने पता किया था? और आज का खैबर इसराइल है, वो उस वक्त का खैबर था, और ये वो खैबर फतह किया था हैदर ने। और इंशाअल्लाह इस खैबर को वो फौज फतह करेगी जिस फौज का नारा है, नारे हैदरी, वो पाक फौज है। दुनिया के किसी इस्लामी मुल्क की फौज का ये नारा नहीं है। हाँ, उसे हैदर ने फतह किया, इसे हैदर वाले फतह करेंगे। ये इंडिया के पीछे भी कोई बोलता है पास हो जाएगी, इनकी अपनी मजान नहीं। क्या हिंदुओं का मिजाज मैंने आपको सुनाया है, कि हिंदुओं का मिजाज क्या है कि वो हिंदू राजा था, किसी गैर ने हमला कर दिया तो उसे पैगाम दिया गया कि जी फलां बादशाह ने हम पे हमला कर दिया है। तो कहा, उसने कहा इनको यरकाओ, इनको डराओ। उसने कहा कि महाराज अगर ये ना यरकें, कहाँ पर खुद ये रख जाओ। फिर ये हिंदुवाना मिला है, ये डरपोक है, ये क्या है? इनके पीछे भी कौन है बोले? उसने खुद भी मरना है और इनको भी। और इंशाअल्लाह हमने कश्मीर को आजाद बोले, हमने कश्मीर को आजाद करवाना है इंशाअल्लाह। कश्मीर आजाद होगा हर मुसलमान, इसलिए कि हर मुसलमान के पीछे अली भी है और अली का बेटा हुसैन भी है। ये असल इस्लाम की ताकत है, असल इस्लाम की वो। जब मैंने बयान किया था ना कि ये वाघा बॉर्डर पे जब वो बम धमाका हुआ था मगरब के टाइम, तकरीब हो रही थी, तो पाकिस्तान वाली साइड पे धमाका हुआ था, तो बड़ी लाशें गिरी खून वहाँ के आमद सोना। अब अगले दिन वो हर रोज तकरीब होती है, अब अगले दिन जब शाम का वक्त होने लगा तो पूरा बैतुल अक्वाम मीडिया ये सोच रहा था कि आज डर के मारे आएगा कोई, क्योंकि कल धमाका हुआ है तो आज कोई नहीं आएगा। मगर दुनिया हैरान थी कि अगले दिन पाकिस्तान वाली साइड पर पहले से दुगने लोग मौजूद थे, पहले से दुगने लोग मौजूद। और जिस साइड पे, इंडिया वाली साइड पे, जिस साइड पे धमाका हुआ ही नहीं उधर आया ही कोई नहीं उधर। और जिधर लाशें गिरी जिधर खून बहा उधर पहले से, इसकी वजह क्या थी? मैंने कहा इसकी वजह फकत यह है उधर कोई हुसैन नहीं है और इधर सारा काम शुरू ही हुसैन से होगा। यहाँ नारा ही ये लगता है कि शाह बादशाह दीन, इसलिए वो कहते हैं ना हम इनसे क्या लड़े, इनकी तो जिंदगी शुरू ही मरने के बाद होती है, साड़ी मुक जानी है इन्हें दी।
तो ये बस हमें अपनी नीयतों को सही रखना है, इरादों को सही रखना है। किसी की बातों में नहीं आना कि वो ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, नहीं। मैंने बता दिया है जहाँ कहीं भी मुसलमान को तकलीफ होगी, वो चांद पे बैठा हो, किसी और को तकलीफ हो ना हो, पाकिस्तानी को होगी। किसको? क्योंकि पाकिस्तान के बारे में मालूम क्या फरमा है कि मैं अरब में से नहीं, मैं अरब में से नहीं, मगर अरब मुजिम नहीं, आर ने इस्लाम की बोलो कोई परवाह नहीं, गैरत दीन की कोई परवाह नहीं, दुश्मनों से गिर रहे हैं, मुसाफिर कर रहे हैं, अपने ताल्लुकात बना रहे हैं। हुजूर ने फरमाया मैं अरब में से हूँ मगर अरब नहीं, और मैं हिंद में से नहीं हूँ मगर हिंद मुजिम नहीं है। तो जो सोच आमना के लाल की होगी वही हर पाकिस्तानी की होगी, जो मिजाज आमना के लाल का है वही हर, और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान भी मैंने कहा ना पूरी दुनिया की आस है, पूरी दुनिया की, और पूरी दुनिया पे रोकती है तो सिर्फ बोले, इसलिए कि इनके पास एटम बम तो बेशक 50 होंगे 100 होंगे, मगर एटम बम से भी बड़ी कुव्वत लड़ने वाले 22 करोड़ हैं। क्या ये पुत्र हटा दे? क्यों भाई है याद है कि सारे कह दो उन्होंने सुना दियो ये पुत्र हटा दे। मेरा ईमान है कि कलाम मुझे नहीं पता किसका है, मगर ये कलाम की इल्हामी है। ये जो मौके पर 65 की जंग में जब अफरा तफरी मची हुई है, ऐसा कलाम जो है ना फिर वो बनता नहीं, बनाया जाता है। ये पुत्र हटा दे तू लपदी फेरे में, तू लपदी फेरे में ये सौदा नकद भी नहीं लगता है। कैसा जुमला है ये सौदा तू लपदी फिरे उधार पूरे आए ये सौदा, और बड़ा प्यारा सा जुमला है दीन मेरे दादा का। ये जो मुजाहिद हैं, शहीद हैं, खासी हैं, ये दीन मेरे याद रखें। 1,24,000 नबियों में से हुसैन किसी को नहीं मिला, ये मुस्तफा के हिस्से में आया। ये दीन मेरे, ये दीन मेरे, किसी नबी को बिलाल हबशी नहीं मिला, उवैस करनी नहीं मिला, सलमान फारसी नहीं मिला, किसी नबी की उम्मत में मोहम्मद बिन कासिम पैदा नहीं हुआ, तारिक बिन सिहार पैदा नहीं हुआ, सुलाहुद्दीन अयूबी पैदा नहीं हुआ। ये जो यहूदी है ना हमें डरा रहे हैं, अपनी औकात याद रखे। कुरान ने कहा जब मूसा ने इनसे कहा था आओ अल्लाह के नाम पर लड़ना है, जिहाद करना है, इन्हीं यहूदियों के अबाउ अजदाद ने कहा था मूसा कलमा पढ़ लेंगे मगर जिहाद नहीं करेंगे, तू जाके लड़, तेरा खुदा लड़े, कि उस वक्त भी नहीं लड़े थे, इंशाअल्लाह आज भी नहीं लड़ेंगे इंशाअल्लाह। बल्कि इस्लाम का असर बदल होगा। ये गाजी मुद्दीन शहीद भी किसी और के हिस्से में नहीं, मुस्तफा के हिस्से में आए हैं। ये दाता ए दीन मेरे, दाता से मुराद है ना ये दीन मेरे, पुत्र हटा दे तू विट बाजार बोले ये सौदा नकद भी नहीं लगता है, तो लगती फिर ये सब कुछ मिल जाएगा अगर ये हैदरी नहीं मिलेगी, और ये हुसैनी अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, और जो आने वाले वक्त में पाकिस्तान की जिम्मेदारियाँ आ रही हैं अल्लाह ताला हमें पूरे एहसास के साथ और पूरी मेहनत के साथ पूरी जफाकशी के साथ उन जिम्मेदारियों को निभाने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह पाक कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी दिलाए।